लखनऊ में जो कुछ हुआ, महिला के साथ अभद्रता की गई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। लखनऊ विधानसभा में योगी का बयान, लखनऊ के लफंगों के खिलाफ सीएम योगी अब बिल्कुल एक्शन मोड में है। गोमती नगर कांड को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा। कल की जो गोमती नगर की घटना है उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। देखिए, लखनऊ के माथे पर कल जो कलंक लगा उससे हर कोई ना सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान भी है। पहले लोग सुनसान और अकेले जाने से डरते थे, अब लोग भीड़ से भी डर रहे हैं। लखनऊ कांड में 4 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, बाकियों की तलाश तेज है। देखिए रिपोर्ट। चेहरे देखते जाइए और गिनती करते जाइए, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 24 चेहरे यहां हैं। शर्म से पानी पानी कर देने वाली ये तस्वीर अदब के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि काहे का अदब और काहे की तहजीब। ये तस्वीर देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले अकेले में डर लगता था, अब इस तरह की भीड़ देखकर सिहरन होती है। बाइक पर सवार होकर लड़की दोस्त के साथ जा रही थी। बुधवार की शाम को लखनऊ के मरीन ड्राइव पर पानी भरा था और उसी पानी में 2 दर्जन हुड़दंगियों ने पहले लड़की पर पानी फेंके, फिर बाइक से नीचे गिरा दिया। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद होती रही। जिन लड़कों ने ये करतूत की उन सब का चेहरा वीडियो में कैद होता रहा। बताया जा रहा है कि इन हुड़दंगियों ने घंटों तक यूं ही बवाल काटा और कई राहगीरों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार वाला वीडियो वायरल हुआ तो सीएम दफ्तर एक्शन में आया, फिर धरपकड़ शुरू हुई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं, जिन्होंने सुबह तक 4 लोगों को पकड़ा। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराट साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। शहर के पॉश इलाके की इस घटना ने तहजीब के शहर को शर्म से पानी पानी कर दिया। घटना ऐसी है कि पुलिस वालों को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने की सजा मिली है। 3 पुलिस अधिकारी हटा दिए गए जबकि 5 को सस्पेंड किया गया। कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। आज ये मामला लखनऊ विधानसभा में भी उठा। विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। शर्मसार करने वाला ये घटना थी। किस तरह से एक बेटी को जो जा रही थी उसको बाइक से उतार करके खींच करके कुछ मंचले या कुछ नहीं, 17-18 लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदम की दूरी पर विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, हजारों पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में होंगे। कहाँ है पुलिस का इकबाल,
कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है? क्या बेखौफ है ये मनचले? दिल्ली में सांसद डिंपल यादव ने भी लखनऊ की घटना को शर्मनाक कहा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो है, विजुअल्स है, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है और इसमें एक्शन और कार्रवाई करे, क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड का क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। लखनऊ की ये घटना शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर कलंक के टीके की तरह है। फिलहाल इस कांड के बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। देखिए, अभी तक चार ही आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि आरोपियों की संख्या दो दर्जन के आसपास है। इस मामले में पुलिस वालों पर भी लापरवाही के आरोप लगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी की गई है, खाकी वर्दी वालों के खिलाफ भी। लखनऊ में देखिए जिन पर घास गिरी है, प्रबल प्रताप सिंह है, डीसीपी पूर्वी लखनऊ के हैं, अंशु जैन है, एसीपी है गोमती नगर के, और अमित कुमावत एडीसीपी पूर्वी लखनऊ के, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन तीनों के अलावा पांच पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए हैं। इनके नाम आपके सामने हैं, दीपक पांडे हैं आप इंस्पेक्टर गोमती नगर, ऋषि विवेक चौकी इंचार्ज, कपिल कुमार दारोगा, धनवीर सिपाही, वीरेंद्र कुमार सिपाही, इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।